मार्केटिंग का एक गुरु मंत्र नोट कीजिए, और वो गुरु मंत्र हर व्यक्ति ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी की ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति ने उस मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। उस गुरु मंत्र का नाम है, जो दिखता है वो बिकता है। हेलो, क्या बोला, क्या बोला? जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका है जो बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। ये दुनिया की पूरी मार्केटिंग का सिद्धांत है। एक बार बेच रहे हैं, बढ़िया बढ़िया दिखा दो, और बार बार बेचना है तो सच बोलना पड़ेगा। अगर सच नहीं बोलोगे काम नहीं होगा। एक आदमी बहुत परेशान था, एक कंपनी में भर्ती हुआ, कंघे बनाने वाली कंघी कॉम, उसे 20 कंघी का टारगेट दिया गया कि एक 10 रुपए की कंघी है, 20 बेचोगे तो आपकी इतनी सैलरी हो। बेचारा पूरे दिन भर कंघी बेचता था। अब कंघी की जरूरत किसी को थी नहीं, सबके घर पर अपनी जेब में कंघी थी, टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। तो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उसने एक युक्ति सोची, और वो एक टकले आदमी के पास पहुंच गया जिसके पास बाल थे ही। उस टकले आदमी के सामने जाकर बोला, भाई साहब कंघी ले लो। टकले आदमी को इतना गुस्सा आया उससे, साला कि इसका सिर फोड़ दूं मैं। वो कहे, साला मुझे चिढ़ा रहा है, मेरे पास बाल ही नहीं है और तू कह रहा कंघी ले लो। वो कहे, सर मैं इसीलिए तो आया हूं, थोड़ा सोचो ना कि आप टकले हैं, फिर मैं क्यों आया, यही तो समझाना चाहता हूं। सर हमारी कंघी है इतनी जबरदस्त कि आप 3 महीने तक रोज सोने से पहले इसको 5 बार रगड़ो, और रोज सोने के बाद में 5 बार रगड़ो, उठने के बाद 5 मिनट। अब बेचारा 5 बार रगड़ो। अब ये डिसीजन कैसे होते हैं, 90% लोग इमोशन की मार्केटिंग करते हैं। अब जब आप सुबह सुबह आप जब सुबह सुबह या रात को 2 बजे भी टीवी चैनल खोलोगे ना, तो कोई ना कोई मार्केटिंग कंपनी आपको नजर आएगी, और उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट से क्या हुआ। इमोशनल क्या होता है, बेचारा टकला, एक दिन में थोड़ी हुआ है, उसने बाल को रोकने की कोई प्रयास नहीं किए होंगे, आपको लगता 50, 100, 200 बेचारा प्रयास कर चुका है। कभी कोई कहता है इसके ऊपर गाय का गोबर लगा लो, बेचारा उसने गोबर भी लगाया। कोई कहता है इसके गोमूत्र लगा लो, उसने गोमूत्र भी लगाया। किसी ने कहा ताजा लगा लो, सुबह 4 बजे ही गाय के पीछे जाकर खड़ा हो गया, ताजा लगा। इतने प्रयास करने के बाद, इतने प्रयास करने के बाद उसके बाल गए हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी बात क्यों मान लेता है। वो कहता साला इतने तो नुकसान कर लिए, इतने डॉक्टर के पास गए, ये तो ऐसी युक्ति बता रहा है जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, केवल 20 रुपए की कंघी। वो मन ही मन सोचता है, नहीं आए तो अभी कौन से हैं, और आ गए तो। अब वो इमोशन से कहता, चल कंघी दे दे, कंघी तो बिक जाती है मेरे भाई, एक बार आपने गड़बड़ बोल दी बिक जाएगी कंघी, लेकिन ऐसी कंघी बेचने वाला आदमी कभी जिंदगी में दोबारा उस टकले की गली में जा पाएगा, और गया तो उसको गंजा करके भेजा जाएगा। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी बात, आपको छोटे से एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगी। आपने ट्रेन में, सभी लोगों ने सफर किया होगा, सभी लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा। एक छोटी सी घटना आप देखिए उस ट्रेन के अंदर जो होता है, आप उसको समझिए, और आपको यह सिद्धांत पूरी तरह मार्केट में दिमाग में फिट हो जाए। ट्रेन की बोगी है, ट्रेन की बोगी में 10-20 आदमी को चाय पीने की इच्छा हो रही है, तलब हो रही है चाय पीने की, कोई चाय वाला आ जाए। तभी एक मायूस सा चाय वाला चाय की केतली अपने हाथ में लेकर उस बोगी के बाहर से गुजरता, बोलता कुछ नहीं, बोगी के बाहर से सिर्फ गुजरता। अब यहां पर जिस जिस की भी नजर चाय पीने की इच्छा जिसकी है, उसकी नजर चाय वाले पर पड़ी,
तो उसने तुरंत उससे पूछा, चाय है क्या? इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं बोला फिर भी चाय क्यों बिक रही है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो पहला काम क्या करना? दिखाने का। लेकिन कंसेप्ट नंबर दो में जब आप आएंगे तो आप क्या देखते हैं कि एक चाय वाला बोगी के अंदर घुसता है और वो बोलना चालू करता है, चाय 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 चाय, दुनिया की जोरदार चाय, दुनिया की शानदार चाय, एक बार पियोगे हजार बार पियोगे, याद रखोगे भाई साहब चाय की है गारंटी, याद रखना आप कि अगर पसंद नहीं आई तो पैसा वापस दिया जाएगा, चाय चाय चाय। अब आप क्या देखते हैं कि जिसकी चाय पीने की इच्छा नहीं है वो भी गिता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो वो। और जब तक आप दिखाओगे नहीं काम होगा नहीं। और टकले वाली बात तो मैंने आपको तीसरी बता दी कि बार बार उत्साह दिखता है जो सच बोलता है। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी? कुछ मत करो मेरे भाई, जब भी आप आरसीएम बिजनेस किसी को समझाने जाओ और पहली ट्रेनिंग उसे दो तो उसे सिंपल सी बात करो, भाई तुम बाद में आरसीएम करना, पड़ोसी के बाद में जाना, सीधा सा पहला काम कर, घर के पड़क बदल। और तुझे कैलकुलेशन लगा कि तेरे घर में अगर 5,000 के पड़क हर महीने यूज आते हैं तो तू 10,000 के खरीद ले, और 10,000 के खरीद लेगा तो कितना नुकसान होगा तुझे? कितना नुकसान होगा? 1 रुपए का नहीं होगा। इस महीने जो यूज नहीं आ रहे वो अगले महीने यूज आ जाएंगे। हेलो, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। तू क्या कर, 10,000 का प्लग एक साथ ले ले और एक अपने घर में जिस ड्राइंग रूम में आप घुसते हो उस दीवार को सामने वाली दीवार पर जो भी सबसे पहली नजर पड़ती है उस दीवार पर तुम इन सारे प्लग को सजा दो। सिर्फ सजाने से ये पूरे 3 सिद्धांत काम होंगे। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अब क्या होगा? 4 फायदे में बैक टू बैक बता रहा हूं आपको। फायदा नंबर एक ये हुआ, आप अपनी डाउनलाइन, आप सभी लोग लीडर हैं, आर यू लीडर? आप सब लोग लीडर हैं तो आपकी टीम है, और आपकी टीम में एक प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे घर में आती थी पिछले 2 साल पहले, वो मैं आपको बता दूं। रात को अचानक बीबी बोलती है, 11 बजे मान लेते हैं, रात को 11 बजे अचानक बीबी बोलती है सब्जी नहीं बन सकती, हल्दी खत्म, क्या करोगे? 11 बजे कहां से लाओगे? पड़ोसी नहीं है तो कहां से लाओगे? हेलो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और आपको आश्चर्य होगा होता क्या, जब भी ऐसी अचानक कोई विविधा आती है हमारे घर में तो हम तुरंत पास में जो दुकान है उसके पास ढूंढ के जाते हैं, चाहे उससे जिंदगी में कभी भी मांग नहीं लिया लेकिन अब आपकी मजबूरी है, उसी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं भाई साहब ये 100 रुपए लो, सबसे छोटा वाला पैकेट दे दो, क्योंकि कल तो मैं आरसीएम के पिकअप सेंटर पर जाकर नया लाऊं। अब थोड़ा सोचो कि आपकी टीम में अगर 1,000 आदमी है, 1,000 आदमी एक महीने में एक बार ऐसी गलती करते हैं, सिर्फ एक बार, तो 1,000 × 100 1,00,000 का नुकसान आप हर महीने कर रहे हैं। सिर्फ अगर आपने हर व्यक्ति को प्लान में समझा दिया होता कि माल तुझे समझाना है तो ये 24 घंटे की दुकान हो जाती है। 24 घंटे। फायदा नंबर दो ये है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप अकेले बोलने वाले होते हैं, लेकिन जूं ही ये पड़क आप घर में लगाते हैं तो पड़क के घर के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने आरसीएम ज्वाइन किया, पड़क सजा दिया, अब पड़क सजा दिया और घर पर पड़ोसन आपकी बीबी से मिलने आए, उसने एक प्रश्न किया, भाभी जी यहां पर तो आपके शादी की फोटो लग रही थी, अब साबुन क्यों लगाया? अब वो पूछेगी तो सुनेगा कौन? ऑटोमेटिक ही काम हो रहा ना मेरे भाई, आपने थोड़ा अलग बताया, सामने वाले ने प्रश्न रिलीज कर दिया, यहां पर फोटो लगी थी, साबुन क्यों लगाया? अब आपकी बीबी को आरसीएम के बारे में ज्यादा पता नहीं, जितना पता है वो बताएगी और वो देख लिए क्या क्या बताएगी और उससे क्या क्या इफेक्ट होता है मैं आपको बताता हूं। ये हमारे है ना, पता नहीं क्या क्या करते रहते, इन्होंने क्या इतने सारे प्रोडक्ट लाके यहां पर रख दिए और मेरे को कहते हैं साबुन से ना, मेरे को पसंद नहीं आती बहन जी, और मैं तो लक्ष्य से ही नहाती हूं, ओरिजिनल बोल रही है, देखिए इसका इफेक्ट देखना, ओरिजिनल बोल रही है, मैं पसंद नहीं करती और मैं तो लक्ष्य से ही नहाती हूं,
और मुझे कहा था कि ये ड्यूडेंट लगाओ, मैंने लगाती। लेकिन भाभी जी एक दिन रात को तेल खत्म हो गया और मैंने मजबूरी से ये तेल यूज कर लिया। ये तो है, मेरा पप्पू ना पहले एक पूरी खाता था, अब दो खाने लग गए और मेरा पेट भी ठीक रह रहा। और आपको पता है ये छोटे छोटे पिंपल हो रहे थे गायब। अब यहां पर ओरिजिनल बात आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो गया जो आपके पीछे से काम करना चालू कर दिया है। हेलो, अभी उसने एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, वो एक की तारीफ कर रहा है, कल वो 50 इस्तेमाल करेगा, 50 की तारीफ करेगा। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो। फायदा नंबर तीन ये हुआ कि आपका बच्चा और पड़ोसी का बच्चा 7 साल का, एक राजू एक पिंटू, दोनों उछलते उछलते खेलते खेलते घर में आए और सीधा उस प्रोडक्ट वाल के सामने जाके खड़े हो गए। और छोटे से बच्चे ने आपके छोटे से बच्चे से पूछा, ए राजू, यहां तो तेरी फोटो लग रही थी बर्थडे की, अब यहां पर साबुन क्यों लगाया? अब 7 साल का बच्चा देखो कैसे कैसे बात कर रहा है, कैसे बिजनेस बढ़ेगा। 7 साल के बच्चे को ना आरसीएम के बारे में पता है, ना सिस्टम के बारे में, ना प्रोडक्ट के बारे में, बच्चा बात कर रहा है, ये मेरे पापा की कंपनी के प्रोडक्ट है और मेरे पापा छोटे मोटे नहीं है, रोज पीएचई वाला टाई लगाते हैं हमेशा। उसे आरसीएम के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो छोटा जो दूसरा बच्चा है ना राजू, वो क्या सोच रहा है, मैं पिछड़े की औलाद हूं, इसका बाप ही सब कुछ है और मेरा बाप कुछ नहीं। फिर वो आगे बात करता, एक सोन, ये मेरे पापा के प्रोडक्ट है, मेरे पापा की कंपनी के प्रोडक्ट है, और ये एरे गेरे को नहीं मिलते, मेरे पापा को मिलते हैं सिर्फ। और तुझे पता ना हर गेंद पे आजकल चौका और छक्का क्यों लगता है, नीट रिचार्ज किट्स हाँ, इसकी वजह से। और मेरी मम्मी क्या कह रही है पता, मेरी मम्मी कह रही है कि इस बार नंबर वन आने वाला हूं क्लास के अंदर। अब वो राजू बढ़ गया, वो साला यही सब कुछ करेगा, न्यूट्री चार्ज भी यही किएगा, वो सीधा अपनी मम्मी के पास। आपको 2 साल से आरसीएम करते हुए देख रहा है, फिर भी वो आरसीएम नहीं कर रहा है। हेलो, लेकिन सबसे अच्छा पड़ोसी बनने का बार बार दिखावा जरूर कर रहा है, रोज आपके घर पे आएगा, रोज प्रोडक्ट के सामने आएगा, रोज प्रोडक्ट को उठाकर देखेगा, उसके कंटेंट पड़ेगा, रेट पड़ेगा, लेकिन रख देगा, लेगा नहीं। बोलो क्यों नहीं लेता बताओ? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो बोलता है आई लव यू बाबा, क्योंकि मैं तेरे से प्रोडक्ट लूंगा तो तू करोड़पति बन जाएगा, और तू करोड़पति बन जाएगा तो मेरा पड़ोसी कैसे रहेगा, मैं अपने पड़ोसी को खोना नहीं चाहता, आई लव यू बाबा। हेलो, वो आपसे पड़क नहीं लेता क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं इसको पहले चेक कर लेता हूं, ये कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, करने दीजिए चेक, आपका सिर्फ एक काम है, प्रोडक्ट रख दिया ना, अब उसको सिर्फ ये पता है कि प्रोडक्ट रहते हैं, वो करता नहीं लेता नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि कयानात में ऑटोमेटिक फंस जाएगा। कैसे? शर्मा जी उनका नाम है, रात को 11 बजे 5 मेहमान आ गए शर्मा जी के घर जो आरसीएम नहीं कर रहे। मेहमान ने कहा भाभी जी चाय तो पी के जाएंगे। भाभी जी किचन में गई, चाय का ढक्कन खोला, चाय खत्म। अड़ोस पड़ोस में कोई है नहीं, पिकअप सेंटर बंद हो गए, सॉरी दुकानें सारी बंद हो गई है। उसने शर्मा जी को धीरे से अंदर बुलाया, शर्मा जी सुनो। शर्मा जी किचन में गए, चाय की पत्ती खत्म हो गई, क्या करेंगे, भागो पीछे के गेट से, भागो कैसे मिलेगा। अब शर्मा जी बाहर आकर सोच रहे हैं कहां जाऊं, 11 बजे कहां से चाय की पत्ती लाऊं। तभी याद आता वर्मा जी, जो दिखता है वो बिकता है। अब क्या हुआ,
रात को 11 बजे वर्मा जी के पास आए। वर्मा जी, मैंने सोचा कि आज आपका प्लग इस्तेमाल कर लिया जाए रात को 11 बजे। शर्मा जी क्या वर्मा जी क्या पागल है, रात को 11 बजे प्यार उबड़ रहा है देखो। मैं सोच रहा हूं कि आज आपके प्लग इस्तेमाल करके देख लिए जाए और मैं सबसे पहले आपकी चाय की पत्ती को चेक करना चाहता हूं। ये समझ गया पूरा, फंस चुका है, रात को 11 बजे कोई चेक करने नहीं आता। अब उसने चाय की पत्ती उठाई। शर्मा जी बोला, हाँ हाँ प्लीज आप ले सकते हैं, ये आपके लिए ही है। उसने फटाफट चाय की पत्ती उठाई और पीछे की तरफ रेड देखी और पूछा कि कितना दूं। सोचा कि पड़ोसी है, कुछ तो डिस्काउंट देगा। तभी तुरंत शर्मा जी बोल गए, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा देने की जरूरत नहीं, जो लिखा हुआ उतना, ज्यादा जो लिखा हुआ उतना। मजबूरी में चाय की पत्ती ले ली गई, यहां पर हो गई आपकी सेल। अब चक्कर क्या पड़ा देखिए, पांचों मेहमानों ने चाय पी और योग ऐसा बैठा कि पांचों मेहमानों ने चाय पीकर आधा घंटे में से 15 मिनट केवल चाय की तारीफ की। क्या बोला भाभी जी, क्या चाय, एक तो मेरी माँ चाय बनाती थी, भगवान कसम माँ की चाय की याद आ गई। अब मेहमान को थोड़ी पता है आरसीएम की, भाभी जी को भी पता नहीं है आरसीएम की, अब वो चाय की तारीफ कर रहा है। और भाभी जी क्या गजब की चाय बनाते हो, आपके हाथ में जादू है। भाभी जी परेशान, जादू कैसे हो गया, हाथ हो क्यों, यह चाय वैसी कैसी बनाते हो, उसने क्या गजब हो गया। तभी अचानक क्लिक हुआ, और यार वो आज चाय की पत्ती का पैकेट का कलर चेंज था। वो तुरंत किचन में दौड़ी और किचन में देखा, ये तो लाल कलर का पैकेट है जो हमेशा आता वैसा नहीं है। उसे पता चल गया कि मेरे भाई ये जादू हाथ का नहीं है, चाय की पत्ती का है। अब रात को 11:30 बजे एक फरमान जारी हो रहा है घर में। देखिए कैसे फरमान जारी हो रहा है, भाभी जी को पता नहीं है आरसीएम वारसीएम क्या है, वो सिर्फ ऐसे क्योंकि उसे पता लग गया कि चाय की वजह से हुआ। उसने रात को 11 बजे सर वर्मा जी को बोला, वर्मा जी सुनो, जिंदगी में पहली बार ढंग का काम किया, और सुनो आज के बाद मेरे घर में कोई दूसरी चाय की पत्ती आनी नहीं चाहिए, फेंक दूंगी नहीं तो बाहर, फंस गया। अब मजबूरी है, आरसीएम नहीं करे तो भी मजबूरी है मेरे भाई। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, जो दिखता